रही है लीपा पोती। न्याय की गुहार लगा रहा है पीड़ित परिवार। महाराजगंज से खबर आपको बता रहे, जहां पर पूरे मामले में परेदा थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। शिकायत ना लिखकर पीड़ित परिवार के साथ गाली गलौज किया जाता है। परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका, लेकिन पुलिस दुर्घटना बता रही है। हत्या के एंगल से पुलिस जांच न करने का आरोप लगा पुलिस पर लग रहा है। परेदा थाना क्षेत्र के परसिया बुजुर्ग का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हत्या को दुर्घटना बता रही है पुलिस। महाराजगंज से खबर बता रहे हैं आपको, मामले में पुलिस लीपा पोती करती नजर आ रही है। न्याय की गुहार लगा रहा है पीड़ित परिवार। पूरे मामले में परेदा थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। शिकायत ना लिखकर पीड़ित परिवार के साथ गाली गलौज भी किया जाता है। परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका, मगर पुलिस दुर्घटना बता रही है। परेदा थाना क्षेत्र के परसिया बुजुर्ग का यह पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मामले में पुलिस लीपा पोती करती नजर आ रही है। न्याय की गुहार लगातार पीड़ित परिवार लगा रहा है। पूरे मामले में परेदा थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। और शिकायत ना लिख करके पीड़ित परिवार के साथ गाली गलौज भी की जाती है। हत्या के एंगल से पुलिस जांच भी नहीं कर रही है, लगातार लीपापोती करती नजर आ रही है। परेदा थाना क्षेत्र के परसिया बुजुर्ग का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमर, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, हत्या को दुर्घटना पुलिस बता रही है, लगातार लीपापोती इसमें की जा रही है, सबसे पहले तो मैं आपसे पूरा मामला जानना चाहूंगी। देखिए, जनपद महाराजगंज का पूरा मामला है, परिंदा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, और जिस मामले में परिजन लगातार आज एक महीने से पुलिस अधीक्षक और थाने अध्यक्ष लगाए हर जगह का दौड़ लगा रहे हैं, और पुलिस अब तक जो है पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं दे पाई है। मामला सबसे बड़ा यह है कि पीड़ित का कहना है कि हमारे बच्चे की हत्या हुई है, और पुलिस कह रही है कि घटना हुआ है। मामला आपसे फुटेज दिया गया होगा, जिस फुटेज में पुलिस कह रही है, सीओ का बयान है उस मामले में, सीओ ने कहा है कि पुलिस खुद जाए दो लोगों को जान से बचाई है, डूबने से बचाई है, जबकि उस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है ना वहाँ पुलिस मौजूद है, केवल जनता है, और वो भी पुल के ऊपर जो है खड़ी होकर के एक ऑटो रिक्शा चालक ने जो है उस फुटेज को बनाया है, तो उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि पुलिस किस तरह से संदिग्ध नजर आ रही है। बिल्कुल उमर, जिस तरीके से इस मामले में फरेदा थाना अध्यक्ष की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है, उसको लेकर क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? देखिए, इस मामले को लेकर के फरेदा थाना अध्यक्ष जो कोतवाल हैं उनसे भी हमारी वार्ता हुई है। कोतवाल और पुलिस अधीक्षक जो फरेदा है, महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक है, उनसे भी हमारी वार्ता हुई है। पहली बार जब हम लोगों की मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने सीओ को जांच लिखा था और जांच करके उसके बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन उस मामले में सीओ के द्वारा और एसओ थानाध्यक्ष फरेंदा द्वारा, इन दोनों लोगों के द्वारा उस मामले में लीपापोती कर दिया गया है, क्योंकि मामला संदिग्ध है। ऐसे मामलों में मतलब कोई उच्च स्तरीय जांच करा करके और वो पीड़ित को न्याय देना चाहिए, क्योंकि हत्या का ही मामला है ये। बिल्कुल उमर, सही कहा आपने, लेकिन सबसे बड़ी बात की न्याय की तो बात दूर की है, जब शिकायत ही पुलिस नहीं लिखती है, पीड़ित परिवार के साथ गाली गलौज की जाती है, तो न्याय की बात हम कैसे कर सकते हैं? पुलिस का ये रवैया अब सामने आने लगा है। देखिए, जब पीड़ित परिवार जब पहली बार एप्लीकेशन लेकर के जब थाने पे पहुंचा, तो वहाँ पे मौजूद वहाँ के SSI कोई पांडे जी है, जिन्होंने माँ बहन की गाली गुप्ता देते हुए परिजनों को भगा दिया और उनका एप्लीकेशन नहीं लिया, और सीओ अपने बयान में खुद बता रहे हैं कि अब तक हमको कोई जो है तहरीर नहीं मिला है। आप थाने से आपको पूछना चाहिए कि थाने में क्यों गाली दे करके भगा दिए।
पीड़ित पक्ष को आप गाली देकर के भगा दे रहे हैं, ये कहाँ की मानवता है। इनको मतलब कम से कम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि पीड़ित कोई भी आए उसको बैठा करके उसको पूर्ण दर्जे से उससे पूछताछ करके उस मामले को पहले उस मामले में मुकदमा दर्ज हो उसके बाद जो है कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पीड़ित पक्ष को गाली दे करके थाने से भगा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में पुलिस की संदिग्ध भूमिका दिखाई दे रही है। बिल्कुल उमर, सही कहा आपने, पुलिस की संदिग्ध भूमिका बिल्कुल साफ नजर आ रही है, क्योंकि एक महीने का समय बीत चुका है और एक महीने से लगातार पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। आपको इस पूरे मामले में एडीएम और सीओ को क्या कुछ कहना है वो भी सुना देते हैं। महाराजगंज से फरिंदा इंटर गाड़ी में जा रहे हैं, वो लगभग पांचे रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गए, उसमें दो लोग बाहर निकाले जा चुके हैं। एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो है, उसके लिए एनडीआरएफ टीम और सभी लोकल टीमें लगी हुई है। एक हंटर गाड़ी से महाराजगंज से तीन लोग आ रहे थे, जिसमें तिरमोहानी पुल के पास जो निर्माणाधीन है वहां पर जाली को तोड़ते हुए रोहिणी नदी में चली गई, दो लोगों को बचा लिया गया था, एक व्यक्ति इसमें लापता हो गया था। दो दिन लगातार एनडीआरएफ और पीएसी की गोताखोर टीम ने प्रयास किया निकालने का, लेकिन नहीं मिला। आज वो लाश उतारती हुई बरातगाड़ा के पास में मिली है, उसे पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, पोस्टमार्टम के बाद अंतिम कार्रवाई की जाएगी। हत्या करके ये सब फेंके, उसके बाद में पहले जो है तारीख लेकर गया मैं थाने पर फरिंदा प्रहलाद पांडे के पास, तो उनको गाली देकर खदेड़ दिए, बैठो वहाँ भी, अब देखते हैं अपने हिसाब से मैटर बनाएंगे जो है। उसके बाद हम घर चले आए, इसकी पे एसपी साहब के पास दो मरतबा गए, वो भी हमारा नहीं सुन रहे हैं। तो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है पीड़ित परिवार, उसको थाने से भगा दिया जाता है, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। लगातार पीड़ित जो परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि हत्या हुई है, लेकिन पुलिस इस पूरी घटना को दुर्घटना बता रही है। पुलिस की लीपापोती देखने को मिल रही है, पुलिस हत्या के एंगल से जांच नहीं कर रही है, और जब पीड़ित परिवार शिकायत लिखवाने थाना जाता है तो उसके साथ गाली गलौज तक की जाती है। एक महीने का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। किस तरीके से ये पुलिस का रवैया है आप देख सकते हैं, पीड़ित परिवार के साथ गाली गलौज की जाती है। थाना अध्यक्ष जो है फरिंदा के, उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध नजर आ रही है इस पूरे मामले में, और हत्या को दुर्घटना बता रही है पुलिस। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हत्या हुई है लेकिन पुलिस इसको दुर्घटना बता रही है। तो वहीं पीड़ित परिवार के साथ गाली गलौज करने की भी बात सामने आ रही है। न्याय की गुहार लगा रहा है लगातार पीड़ित परिवार। पूरे मामले में फरिंदा थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, हत्या को दुर्घटना बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार लगातार न्याय के लिए भटक रहा है लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जब पीड़ित परिवार बता रहा है कि हत्या हुई है तो कहीं ना कहीं एक बार इसकी जांच जरूर बनती है ताकि पीड़ित परिवार को भी न्याय मिल पाए। उन्होंने अपना बेटा खोया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस का रवैया देखने को मिला है, एक तो पीड़ित परिवार आपके पास आता है शिकायत लिखवाने, उसके बावजूद आप शिकायत नहीं लिखते हैं, गाली गलौज की जाती है पीड़ित परिवार के साथ। एक महीने का समय गुजर जाता और अभी तक पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, इस तरीके का रवैया पुलिस का सामने आया है। पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से लीपापोती करती भी नजर आ रही है। और आपको बता दें लाश की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें चोट के निशान भी पाए गए हैं, लेकिन पुलिस इस पूरी घटना को हत्या के एंगल से नहीं देख रही है। पुलिस लगातार बता रही है कि ये दुर्घटना हुई है, एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, पीड़ित परिवार लगातार न्याय के लिए भटकता जा रहा है, और जब थाना पहुंचते हैं पीड़ित परिवार तो उनके साथ गाली गलौज भी की जाती है।
हत्या को दुर्घटना बता रही है पुलिस। इस पूरे मामले में पुलिस की लीपापोती देखने को मिल रही है। न्याय की गुहार पीड़ित परिवार लगा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, आखिरकार कब इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है और उसके बाद शिकायत तक नहीं लिखी जाती है। जो थाना अध्यक्ष है फरीदा का, उनकी भूमिका यहाँ पर संदिग्ध देखने को मिल रही है। पुलिस परिवार के साथ गाली गलौज करती है, रिपोर्ट नहीं लिखती है। लगातार जो पीड़ित परिवार है वो इस पूरे मामले को हत्या बता रहा है, लेकिन सीओ ने इस मामले में पीड़ित का बयान लेने के बाद भी अपने रिपोर्ट में दुर्घटना बता दिया। और हमारे साथ फोन लाइन पर मृतक के पिता जुड़े हुए हैं। इदन अली जी, आपके बेटी की हत्या हुई है ऐसा आपका कहना है, क्या अभी तक पुलिस ने रिपोर्ट लिखी है? साहब हमारे लड़का का जी, इधन जी ये बताइए कि क्या पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली है, क्योंकि ऐसी भी बात सामने आ रही कि जब आप थाना पहुंचते तो आपके साथ गाली गलौज भी की जाती है। हाँ साहब रिपोर्ट लेके गए नहीं। तो फिलहाल क्या कुछ कहना है उन लोगों का, पुलिस क्या कुछ कह रही है आपसे, कब तक जांच की जाएगी, या अभी भी लगातार ये बोल रही कि दुर्घटना हुई है? दुर्घटना आया था, मटर कह फेंक दिया गया, दुर्घटना देखा दिया जाता। प्रहलाद पांडे के फरंदा थाना पे FIR लिखम की जी, तो वो FIR ले से इनकार कर ले, और बाद गाली के पहले किनारे बैठो साले, अभी हम अपने हिसाब से FIR लिखेंगे। इधन जी, आपने जिसके ऊपर आरोप लगाया है, आपको क्या लगता है जिसने आपके बेटे की हत्या की है, आपने उसके बारे में पुलिस को बताया? सब हर जगह हर दरवाजा खटखटा हुआ, नहीं केहू हमार मदद करे तैयार नहीं बा, हम गरीब आदमी बाटी, अब बतावल जाओ हम कहाँ जाएं। इधन जी, कब हुआ था यह हादसा, कब से आप लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं? 17 तारीख के हादसा वही हुआ, 17 तारीख के रात में हम 9 बजे FIR लेके फरंदा थाने पहुंच ली प्रहलाद पांडे जी के पास। प्रहलाद पांडे सोचा गाली देख हमके थाने वाले बैठो भोसड़ी वाले वहाँ, अभी हम जो है अपने हिसाब से रिपोर्ट लगा बनाएंगे, ऐसे लिखा जाता है दरखास्त। इधन जी, किसी अधिकारी ने आपसे बात करने की कोशिश की इसको लेकर के? जी साहब, किसी अधिकारी ने आपसे बात करने की कोशिश की कि आपको न्याय मिलेगा? कलिया साहब बोलौले रहा हमके जोन बांदा थाना पे फोन करे, हमारी महाराजगंज में फोन करना, कल इधर थाने पे आओ, क्या क्या हो रहा है, हमारे पास पेपर आया है साहब, हम जहाँ तक रिपोर्ट लगा के दस्तखत करवा के भेज देता थे, कुछ सुनवाई नहीं होता हमारे कहीं। ठीक है दिन जी, बात रखने के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ मृतक के पिता जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि जब वो थाने पहुंचते उनके साथ गाली गलौज की जाती है, और किसी भी अधिकारी ने अभी तक उनसे बात करने की कोशिश तक नहीं की है। पीड़ित परिवार को ये तक नहीं पता कि उनको न्याय कब मिल पाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है पीड़ित परिवार, उसके खिलाफ अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। और थाना अध्यक्ष का ये कहना है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, मैं अपने हिसाब से FIR लिखूंगा। तो पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं।